दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मैथ लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कुछ मैथ लेने के बाद नुकसान भी हो सकते हैं। यानी 10th 12th पास करने के बाद आपके जीवन में मैथ लेने का क्या क्या महत्व हो सकता है, यानी मैथ लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर, हमने मैथ जो है 10th 12th में उतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मेरे मैथ जो है कमज़ोर है, क्या मैं मैथ लेने के बाद इंजीनियरिंग, मतलब मैथ जो है मेरा उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो क्या मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकता हूँ, क्या मैं मेडिकल फील्ड में जा सकता हूँ, क्या मैं सरकारी जॉब के लिए जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर सकता हूँ। यानी इन तमाम तरह के सवाल बच्चों के आए थे कमेंट सेक्शन में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि मैथ लेने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं, और यदि आप मैथ नहीं लेते हैं तो कहां कहां पे आपको परेशानी हो सकती है, या फिर बिना मैथ के भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं लाते रहता हूँ जो आपके जीवन में चार चांद लगा देंगे। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं मैथ लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अभी आप यदि 10th 12th पास कर गए हैं तो आपका विज़न होगा कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी हो सके एक जॉब पा लूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का विज़न होता है, बहुत मतलब जॉब प्राइमरी होता है, कुछ कुछ बच्चे का ही जो होता है बिजनेस की तरफ होता है फोकस, प्राइमरी उसका फोकस होता है कि मैं जॉब पा लूँ। ठीक है, अब जॉब की बात आती है तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, या तो वो प्राइवेट जॉब में जाएंगे या फिर सरकारी जॉब में जाएंगे। ठीक है, यदि आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब की बात करते हैं तो इसमें फिर अब बहुत सारा डिपार्टमेंट है। आप सोचेंगे कि मैं BBA कर लूँ, BCA कर लूँ, या फिर इंजीनियरिंग BTech कर लूँ, या फिर यदि इसके अलावा फिर आप सोच सकते हैं कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है तो MBBS करना है, BSc नर्सिंग करना है, B Pharma करना है, D Pharma करना है, ANM करना है, GNM करना है, इन तरह के कोर्सेज आप करना चाहेंगे। तो क्या इन सब जगह पे मैथ का ज़रूरत पड़ेगी? अब मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप इंजीनियरिंग फील्ड में यदि आप जाना चाहते हैं तो बिना मैथ का आप सोच ही नहीं सकते हैं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जा पाऊँगा। मैथ यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, आपको मैथ आना ही चाहिए। इसके बाद मैथ के बिना आप सरकारी जॉब की भी कल्पना ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जितने बच्चे सरकारी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल कंपटीशन की, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, SSA की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, UPSC, BPSC या फिर IAS की, आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको मैथ आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप इन सारे एग्ज़ाम के सिलेबस में जाकर के पूछिए, मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन सारे एग्ज़ाम में हर एक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ का। अब आप मानिए UPSC के एग्ज़ाम देंगे या फिर आप हाई लेवल के बैंकिंग के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन वहीं आप रेलवे के एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे मैथ का लेवल थोड़ा सा उससे कम रहेगा, फिर SSC के एग्ज़ाम देते हैं तो फिर वहाँ पे मैथ का लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। यानी कुल मिला के आप बात ये समझ लीजिए कि बिना मैथ का आप जीवन में एक अच्छे जॉब की तुलना, यानी एक अच्छे जॉब को पाना जो है आप नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, रुपये कमाना मतलब जो है एक अलग बात हो गई कि बिना मैथ के आप जो है बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप रुपया कमा सकते हैं, लेकिन जब एजुकेशन की बात होती है, प्रॉपर तरीके से जॉब लेने की बात होती है, उसके सिलेबस और करिकुलम की बात होती है, प्रिपरेशन की बात होती है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि बिना मैथ के आप नहीं सोच सकते हैं, मैथ आपको आना ही चाहिए। हाँ, ये अलग चीज़ें हैं कि हर एक चीज़ों के प्रिपरेशन के लिए अलग अलग लेवल के मैथ्स पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं कि किस एग्ज़ाम के लिए आपको कितने मैथ पढ़ने की ज़रूरत होगी। हमें लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि मैथ का क्या महत्व है। अब कुछ लोगों का जब मतलब कहना होगा कि सर, मुझे तो मेडिकल फील्ड में जाना है, वहाँ तो बायोलॉजी है,
तो वहाँ मैथ में क्या करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यदि आप मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं, ठीक है, किसी भी सेक्शन में जॉब में, तो आपको जो प्राइमरी यानी फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी पढ़ाई होता है किसी भी कोर्स में, मैं आपको बता दूँ वहाँ पे बेसिक जो है आपके 10th 12th लेवल के ही जो है कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो उसमें आपको एक मैथ का सब्जेक्ट ज़रूर मिलेगा। यदि वहाँ नहीं मिला तो आप जान लीजिए, यदि आप MBBS करके डॉक्टर बन जाते हैं या फिर भी फार्मा करके आप जो है फार्मासिस्ट बन जाते हैं या BSc नर्सिंग करके जो है यदि आप जो है नर्स बन जाते हैं, ANM JNM कुछ भी बन जाते हैं, माना कि आपने कोर्स किया और बन गए, लेकिन फिर क्या होगा, फिर तो आपको जब सरकारी जॉब की ज़रूरत होगी तो फिर तो आप उस एग्ज़ाम को आप देंगे ही, और जब उस एग्ज़ाम को आप देंगे तो आपको जो है जिस जो ब्रांच है आपका, जो स्पेशलाइजेशन है आपका, उसके अलावे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें मैथ्स ज़रूर रहेंगे। इसलिए मैथ के बिना, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ अभी भी कह रहा हूँ, आप नहीं सोच सकते हैं। इसलिए मैथ को आप जो है दरकिनार करके नहीं, मैथ को साथ लेकर के आगे बढ़ें। और यदि आपने 12th और 12th में मेहनत नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, आप आगे भी यदि थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आप अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि पहले का समय कुछ और था कि आपके पास टीचर से प्रॉपर कोचिंग लेनी होगी फिर सीखनी होगी, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अब डिजिटल समय आ गया है, यूट्यूब का समय है, आप यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं और इसी यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे मैथ, बहुत सारे मैथ की क्लासेस पड़ी हुई हैं, बेसिक से क्लास 6 से क्लास 7 8 9 10th 11 12th सारे क्लास के वीडियो उस पर पड़े हैं, आप वहाँ से उठाइए और देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ मैथ के बारे में। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और आप क्या सोचते हैं मैथ सब्जेक्ट के बारे में और आप लेने के बारे में, वो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं दोस्तों, ताकि मैं उसके ऊपर फिर से एक वीडियो आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू दोस्तों।